दोस्तों वंश मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संजीव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट और मैसेज के कारण हमें DMLT फर्स्ट ईयर की क्लास भी स्टार्ट करनी पड़ गई जल्दी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं जो अपना यूरिन एग्जामिनेशन है वो, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना, तभी ये वीडियो समझ आएगा। ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मतलब इस वीडियो के जो नोट्स है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो सेकंड पार्ट है अपना यूरिन एग्जामिनेशन का। हमने क्या पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में? हमने पढ़ लिया था, हम स्टार्ट कर रखे थे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देख लिया था जो नॉर्मल जो यूरिन होता है उसमें उसकी pH क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर वगैरह, वॉल्यूम वगैरह देख लिया था। फिर हम देख रहे थे एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल में हमने देख लिया था वॉल्यूम के बेस पे, तो कौन सा था वॉल्यूम के बेस पे? एक आ जाएगा अपना पोली यूरिया, ओलिगो यूरिया और एक एन यूरिया। ठीक है, पोली यूरिया में 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा, ओलिगो यूरिया में आ जाएगा अपना 1 से 1.5 लीटर से कम, और एन यूरिया में यूरिन एबसेंट हो। ठीक है, तो अब हम दूसरा देख रहे हैं, वॉल्यूम के बेस पे फर्स्ट हो गया, अब दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है, अब कलर जो नॉर्मल है उसका अपने को पता है कि पेल येलो होता है, जो नॉर्मल यूरिन कलर क्या होता है? पेल येलो। ठीक है, अब एबनॉर्मल की बात करते हैं हम। एबनॉर्मल में देखना येलो ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, मिल्की हो सकता है, ब्राउन ब्लैक हो सकता है। ठीक है, अब येलो ऑरेंज है वो क्यों आएगा यूरिन के अंदर? अगर एक्सिस ऑफ बाइल पिगमेंट जो बिलीरुबिन है उसका अगर यूरिन के अंदर अमाउंट ज़्यादा है, मतलब एक्सिस है बाइल पिगमेंट, तो उसका कलर कैसे आएगा? येलो ऑरेंज। ठीक है, मतलब नॉर्मल है, कितना वो होता है जो भी कंसंट्रेशन होगी वो नॉर्मल है, बट उस नॉर्मल कंसंट्रेशन से अगर हाई है तो यूरिन का कलर आ जाएगा येलो ऑरेंज हो जाएगा उसका कलर। ठीक है, किसके कारण? एक्सिस ऑफ बाइल पिगमेंट के कारण। ठीक है, रेड, रेड अपने को पता है जब हीमोग्लोबिन वगैरह या मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगी तो जाहिर सी बात है रेड ही आएगा, तो रेड किसके कारण? ड्यू टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। ठीक है, क्लाउडी, क्लाउडी क्यों होगा? क्लाउडी हो जाएगा यूरेट, यूरिक एसिड, कार्बोनेट वगैरह अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट होगा ना तो कैसा कलर आएगा यूरिन का? क्लाउडी, नॉर्मल है पेल येल्लो, इसके अलावा जो भी कलर आएगा वो सब आएगा एबनॉर्मल। अब मिल्की, मिल्की क्यों आएगा? मिल्की आएगा ड्यू टू लिपिड, अगर यूरिन के अंदर लिपिड प्रेजेंट है ना तो कलर आएगा मिल्की। ब्राउन ब्लैक ड्यू टू मिलानिन, अगर जो मिलानिन जो पिगमेंट है अगर वो प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो ब्राउन ब्लैक कलर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या देखा, सेकंड क्या देखा हमने? देखा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, नॉर्मल पेल येल्लो है, येल्लो ऑरेंज बाइल पिगमेंट के कारण, रेड हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के कारण, क्लाउडी यूरेट यूरिक एसिड कार्बोनेट के कारण, मिल्की ड्यू टू लिपिड, ठीक है, ब्राउन ब्लैक है वो ड्यू टू मिलानिन के कारण। ठीक है, फर्स्ट हो गया था अपना ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, सेकंड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। हम पढ़ रहे हैं एबनॉर्मल यूरिन, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। फिजिकल का मतलब जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें यूरिन देखने पे कैसे दिख रहा है, इसकी pH क्या होगी, कलर क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, वो सब पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सेकंड हो गया अपना ऑन द बेसिस ऑफ कलर। अब तीसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जो मतलब ऑर्डर या स्मेल एक ही चीज़ है पहली बात तो। ठीक है, अब नॉर्मल यूरिन की जो ऑर्डर है वो होती है एरोमेटिक, हमने उधर भी देख लिया था वो नॉर्मल है, बट अगर जैसे टॉयलेट वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं होगी तो उसमें लेट मतलब ज़्यादा समय तक यूरिन वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो उसकी स्मेल कैसे आने लग जाएगी? अमोनिया की स्मेल आने लग जाएगी, क्योंकि अमोनिया प्रेजेंट होती है ना यूरिन के अंदर। देखो नॉर्मल है एरोमेटिक, बट लेट हो गया अगर, सफाई नहीं हुई जिस टॉयलेट वगैरह की, तो उसकी स्मेल कैसे आने लग जाएगी? आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, अमोनिया की स्मेल आने लग जाएगी। अब ये तो हो गई नॉर्मल, मतलब एरोमेटिक या अमोनिया की स्मेल आने लग जाएगी, नॉर्मल की बात है। फ्रूटी स्मेल, अगर फ्रूटी स्मेल आने लग गई, अब ये पढ़ रहे हैं हम एबनॉर्मल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, अब फर्स्ट है उसमें फ्रूटी स्मेल। अगर फ्रूटी स्मेल क्यों आएगा? अगर यूरिन के अंदर एसीटोन प्रेजेंट है ना तो क्या होगा उसके अंदर, उसकी स्मेल आएगी फ्रूटी। और ये डिजीज जो एसीटोन प्रेजेंट होगा तो ये कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होता है? कीटोसिस। तो जाहिर सी बात है अगर यूरिन की स्मेल फ्रूटी आ रही है तो उसको कीटोसिस है, कीटोसिस का मतलब उसमें एसीटोन प्रेजेंट है, सही है। दूसरी माउसी स्मेल, ये माउसी स्मेल क्यों आता है? जो फिनाइल कीटोन यूरिया जो डिजीज होती है, अगर माउसी स्मेल आ रही है
तो क्या होगा उसमें, उसमें होगा फिनाइल कीटोन यूरिया जो डिजीज है उस पेशेंट में होगा, ठीक है। थर्ड अमोनिकल स्मेल, अमोनिकल स्मेल अगर सिस्ट प्रेजेंट है, ड्यू टू सिस्ट, अगर यूरिन में सिस्ट प्रेजेंट है तो उसकी स्मेल कैसे आएगी, अमोनिकल स्मेल। फोर्थ देख लो फ्यूल स्मेल, ये क्यों आएगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब यूटीआई हो गया उसको, जो पेशेंट में यूटीआई होगा उसको स्मेल आएगी फ्यूल स्मेल। अमोनिकल स्मेल सिस्ट के कारण आएगी, फिनाइल कीटोन यूरिया में माउस स्मेल आएगा, फ्रूटी स्मेल आएगा एसिड कीटोसिस के अंदर एसीटोन के कारण, ठीक है। नॉर्मल ये हो गई। तो ये हमने देखा, फर्स्ट देख लिया था वॉल्यूम के बेस पे, सेकंड देख लिया था कलर के बेस पे, और थर्ड आ जाएगा अपना ऑर्डर या स्मेल के बेस पे। अब फोर्थ देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार जल्दी से आप। हाँ तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चौथा जो पीएच के बेस पे, ठीक है। एबनॉर्मल क्या हो सकता है, हमने पढ़ लिया वॉल्यूम, पढ़ लिया कलर, पढ़ लिया और ऑर्डर स्मेल पढ़ लिया, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं हम क्या है पीएच के बेस पे, जो नॉर्मल पीएच अपने को पता है 4.628 होती है। अब अगर एबनॉर्मल की बात करें तो एसिडिक हो गई ज़्यादा, मतलब जो 7 है उससे कम हो जाएगी। अब ये कम क्यों हो जाती है, दो कॉज, दो कारण हो सकते हैं, तो हो सकता है जो एसिडिक है वो, एक हो सकता है एल्केलाइन है वो, ठीक है। अब एसिडिक बिलो मतलब 7 से नीचे वाले को एसिडिक और ऊपर वाले को एल्केलाइन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉज क्या हो सकता है इसमें, हाई प्रोटीन इंटेक कर रहा हो कोई भी पेशेंट है, वो हाई प्रोटीन इंटेक कर रहा हो कॉज, या फिर दूसरा हो सकता है नॉन वेजिटेरियन डाइट लेता हो वो, या फिर एल्कोहल ड्रिंकिंग करता हो ज़्यादा, ठीक है। और एल्केलाइन क्यों हो सकता है, मोर देन पीएच 7, 7 से ज़्यादा हो क्या पीएच, तो उसको बोल देंगे एल्केलाइन पीएच। कॉज लॉस ऑफ सीओ टू, सीओ टू की कमी हो गई हो तो जाहिर सी बात है अपने आप ही एल्केलाइन हो जाएगी, यूटीआई के अंदर वोमेटिक के अंदर क्या होता है एल्केलाइन पीएच हो जाती है। तो ये अपना हो गया पीएच के बेस पे, कौन कौन सा एसिडिक और एक एल्केलाइन, एसिडिक पीएच 7 से कम एल्केलाइन ज़्यादा, ये हो सकते हैं एसिडिक के कॉज, ये नीचे वाले एल्केलाइन के कोर्स, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं हम एएसपी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जो नॉर्मल यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.003 से 1.030 होता है, ठीक है। अब लो मतलब इससे भी लो हो जाए, लो एज, एसजी का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी किस में हो सकती है, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो उसके अंदर। हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इससे भी ज़्यादा हो जाए वो किस में हो सकती है, डायबिटीज मेलाइटस, इसमें इंसिपिडस है इसमें आ जाएगा डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। वोमिटिंग डायरिया वगैरह इसमें हो सकता है। देखो नॉर्मल वो है, लो हो गई तो ये डिजीज, अगर हाई है तो ये डिजीज। तो ये देखो हमने पाँच देख लिया, कौन कौन से, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, पीएच और एक हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी, ठीक है। तो ये हो गया अपना फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में आपके, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन के नाम से। तो ये पांच लिखने हैं अपने को, नॉर्मल यूरिन से लेके ये एबनॉर्मल तक, पूरे 5, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे जो टेस्ट वगैरह मतलब केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।